अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद नई कार सार्स कंपनियों की हालिया आमद और कामयाबी ने कार कंपनियों की एक बड़ी तादाद में गहरी दिलचस्पी पैदा कर दी है। एक हालिया पेशरफ्त में स्कॉडा मोटर्स ने पाकिस्तान में गाड़ियों का असम्बली प्लांट लगाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। स्कॉडा मोटर्स के वफद ने पीर के रोज़ पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात की। स्कॉडा कंपनी के नुमाइंदों ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की हालिया तरक्की को तस्लीम किया है और पाकिस्तानी मार्केट में कारोबार करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूं तो ये कंपनी 1895 में कायम की गई थी। स्कॉडा दुनिया की मुतअद्दिद हिस्सों में सबसे ज़्यादा मकबूल कारसाज कंपनियों में से एक है, जिसकी मौजूदगी दुनिया भर के 100 से ज़्यादा ममालिक में मौजूद है और मातहत इदारों की VAG चेन में दूसरा सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श गाड़ी बनाने वाला ये इदारा है। इसके साथ पोर्शे जो है ये पहले नंबर पर है। तो व्यूअर्स, स्कॉडा कंपनी पाकिस्तान में दो नई कॉम्पैक्ट मुसाफिर गाड़ियां स्कॉडा कामेक और स्कॉडा फीबे के साथ जो है डेब्यू करने वाली है। स्कॉडा कैमेक की अगर बात की जाए तो स्कॉडा कैमेक एक सब कॉम्पैक्ट या बी सेगमेंट क्रॉसओवर SUV है, जो बैनल अक्वामी मंडियों में प्रोटोन X50, होंडा HRV, निसान ज्यूक, टोयोटा CHR और किया स्टोनिक और मार्केट में मौजूद दीगर सब कम्पैक्ट SUV से जो है कम्पीट करती है। व्यूअर्स, ये गाड़ी जो है SUV दुनिया भर में 4 मुख्तलिफ वेरियंट में पेश की जाती है। इसके साथ साथ अगर दूसरी गाड़ी की बात की जाए, अगर स्कॉडा फीबिया की बात की जाए, तो स्कॉडा फीबिया एक जेली कम्पैक्ट या बी सेगमेंट फैमिली हैचबैक है, जो आलमी मंडियों में वॉक्सवैगन, पोलो, रेनॉल्ट क्लियो, फोर्ड फेस्टीट और इस तरह की डिगर हैचबैक्स के जो है कम्पीट करती है। इस कार में मुख्तलिफ जदीद खसूसियात पेश की जाती हैं, जैसे जदीद इंफोटेटमेंट यूनिट, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग्स, दीगर फीचर्स। स्कॉडा फीबिया भी 4 मुख्तलिफ वेरियंट में पेश की गई है। अभी तक व्यूअर्स, इस गाड़ी के जो हिंदुस्तान में जो है लॉन्च है, जहां तवक्को है कि इसकी इब्तदाई कीमत सिर्फ 7 लाख रुपए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1.48 मिलियन बनते हैं। व्यूअर्स, ये बात भी सच है कि पाकिस्तानी मार्केट में इस कार की इतनी कम कीमत होने के इम्कान बहुत कम है, लेकिन स्कॉडा कंपनी अपनी खसूसियात और बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के बायस दुनिया भर की टॉप लीडिंग कंपनियों में से एक है और इस कंपनी की मुमकिन आमद पाकिस्तानी ऑटो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकती है। व्यूअर्स, ये कंपनी जो है अपने स्टैंडर्ड्स, जो अपनी जो है फीचर्स और इसके अलावा जो सबसे आला बात है अपनी जो प्राइस है, इसके हवाले से दुनिया भर में मानी जाती है। और अगर इस कंपनी की पाकिस्तान में आमद हो जाती है तो इस कंपनी की आमद से ना सिर्फ आपको जो है अच्छे यूनिट, अच्छा फीचर और जो है कम कीमत गाड़ियां देखने में मिलेंगी, बल्कि जो दीगर मार्केट में कंपनियां हैं वो भी इस बात पर मजबूर हो जाएंगी कि वो भी जो है अपने स्टैंडर्ड्स और अपनी जो गाड़ियों के फीचर्स हैं और स्पेशली जो गाड़ियों की प्राइस हैं वो भी कम करें, ताकि वो मार्केट में जो है दीगर कंपनियों को कम्पीट कर सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और साथ लगी घंटी के निशान को लाजमी से प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इस तरह की कार सेल से रिलेटेड मजीद वीडियोस बिलानागा मौसूल होती रहें। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।